आप अपना खाद वाद डाल के फिर फसल बो लीजिए, ठीक है। तो ये होता है सॉइल का ट्रीटमेंट, सॉइल को ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। अभी आने का पहले गोबर मिट्टी में बिछा दिया था जी, तो ये अभी इसको डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, कोई नहीं डाल सकते। 15 डेज बिफोर करना है ना? हाँ, तो 15 डेज वो सभी वो बम्बू डाल के वो तार डालना वो सभी कर सकते ना? हाँ, वो पहले डाल दो फिर ये सब करते रहो, स्ट्रक्चर बनाने का काम पहले डाल दीजिए और फिर स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। अभी सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो हमारे लिए है, हमने तो सोच लिया कि हमको जैविक करना है, लेकिन जैविक करने से पहले तब जाके फिर कारोबार करने का मेरे ख्याल से अभी इतने सारे हमारे मेरे ख्याल से इसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं सुना जाता, वो कैसे करेंगे? देखो वो लोग शुरू करें ना, शुरू करें, जैसे भी करें, उल्टा पुल्टा करें पर शुरू करें, है ना। और देखो अब मान के चलो अब खाद की आप बात कर रहे हो, आज शुरू करोगे जब तो 3 महीने के बाद होगी ना, है कि नहीं? और अगर यही बात कह के बैठे रहोगे तो कभी नहीं होगी। तो शुरू करो, पहले बिना खाद डाले ही कर लो काम, पहली एक फसल है कि नहीं, जब खाद बन जाए तब डाल दो खाद, और नहीं तो फिर आप खाद कहीं से लेकर भी कर सकते हो, है ना। इधर उधर से अगर खाद मिल जाए आपको तो लेके भी कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। ये तो आप परमिशन देंगे हो सकता है, ये 5 दिन स्टार्टअप, अरे एक आदमी सर यीस्ट टकुर होता ना, तो वेट की कम पता तैयार होता है, वेट की तरह है, नहीं यीस्ट टकुर हमारी वेट की कम होना चाहिए ना, अभी तो हमारे पास ये नहीं है, केचुआ आने को तो पहले केचुआ भी लेके जाएंगे, उसके बाद उसको बनाए छोड़ ना, 3 महीने बाद। अभी सबसे पहली बात तो अभी मेरे ख्याल से मैं बाकी का नहीं पता, मैं खुद आया वो इसी महीने में मेरा आने का ये मुद्दा था कि आपकी यूट्यूब में मैं देखा था कि ये जितने भी काम शुरू होते हैं वो जनवरी से शुरू होते हैं और दिसंबर में खत्म होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है कि मैं खुद आया वो मल्टीलेयर स्टार्ट कर, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सोचनी हो जाएगा, तो इसमें क्या मतलब? देखो जितना जैसा जैसा शुरू कर सकते हो उतना उतना शुरू करो। मैं ये सोच रहा था हाँ। मैं ये मतलब जो कमी दर को हो जाए सोच रहा था कि मेरे पास अभी जो रासायनिक खाद है उसको बता ना, मैं उतने का अभी यूज कर लूँ, जब मेरा ये होगा तो नेक्स्ट जैसे सेशन स्टार्ट होगा उससे मैं स्टार्ट करूँ। देखो ऐसा है, आप जो खाद रखे हो वो खाद आप मोनोक्रॉपिंग में अपने पैटर्न पे डालो, जब ये मल्टीलेयर करते हो तो आप पूर्णतः इसको जैविक ही करो, ठीक है। हाँ, तो अगर मान के चलो ये फास्फो कंपोस्ट और ये कंपोस्ट ना हो तो आप जो है ना कहीं से ले सकते हो कंपोस्ट, है ना, कंपोस्ट लेके और शुरू कर लो, भले कंपोस्ट अच्छा ना मिले खराब मिले जैसा भी मिले वैसा लेके शुरू कर लो, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से शुरू किया जा सकता है, तो ये मतलब लेकिन शॉर्ट में करने को ज्यादा अच्छा है। हाँ, कम से कम इसमें और एरिया कम करो, एरिया बढ़ाना करो, ठीक है, एरिया बढ़ाना करो, एरिया कम करो। तो ये हो गई बात सिलेक्शन पे और उपचार पे, ये नीम का पाउडर और धनिया का पाउडर डाल के मिट्टी को गूंथना है और फिर कम से कम 15 दिन रखोगे। अगर मान के चलो कभी कंडीशन ऐसी हो कि नहीं हमें अभी बुवाई करनी है तो अभी नीम का पाउडर अभी चूने का पाउडर डाल के भी जोत के तुरंत खाद डाल के भी फसल की बुवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया भूमि का उपचार। फिर होता है बीज का उपचार, तो बीज का उपचार हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, है ना, कि गौमूत्र लेना है 2 लीटर और हाँ 200 ग्राम और गुड़ 250 ग्राम, है ना, वो लिखा हुआ है आपके पास फार्मूला, उसी से करना है उपचार। फिर उसके बाद होता है पौध का उपचार। तो पौध का उपचार ऐसा होता है कि जब फसल आप जमीन में बोते हैं तो फसल बोने के तुरंत 15 दिन के बाद आप फसल पे आधा 1 लीटर और 14 लीटर पानी मिला के, आधा 1 लीटर गौमूत्र और 14 लीटर पानी मिला के आप फसल पे स्प्रे करते हैं। फसल में बीमारी हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, आपको स्प्रे देना ही देना है। तो इससे क्या होगा कि पौधे पर एक वातावरण तैयार होगा, एंटीबायोटिक वातावरण तैयार होगा जिससे बीमारियां कम लगेंगी।